कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की मार दुनिया पर पड़ी तो भारत भी उससे बच नहीं पाया। भारत की एक बड़ी आबादी, खासकर गरीब वर्ग के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि रोजगार और आमदनी के बिना वो 2 जून की रोटी का इंतजाम आखिर कैसे करेंगे। भाई, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, व्यापार डूब गए, दुकानें बंद हो गईं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले या माल ढोने वाले, ठेल टपरी पर सामान बेचने वाले हो या फिर छोटी मोटी नौकरी करने वाले हो, सब बेरोजगार हो गए। इसी बड़े संकट का, या कह लीजिए कि इस बड़े सवाल का जवाब लेकर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संकल्प, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और इस तरह से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना की। कोविड के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। ऐसे में कई परिवार ऐसे थे जिनके लिए राशन जुटा पाना तक मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद 26 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की और ऐसे शुरू हुई 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक राशन पहुंचाने की कवायद। इस योजना पर तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आज 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यानी इस योजना से पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो राशन कार्ड धारियों को लगभग डबल मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की एक खास बात ये भी है कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों का भी नाम दर्ज है उतने लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपके राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम दर्ज है तो आपको 20 किलो अनाज दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो आपको 10 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके लिए आपको किसी कार्यालय दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि ये अनाज आप उसी राशन की दुकान से ले सकते हैं जहां से आप हर महीने राशन लेते हैं। अब तक इसके तहत अप्रैल में 93%, मई में 91% और जून में 71% लाभार्थियों को अनाज दिया जा चुका है। इसके लिए राज्यों ने अब तक 116 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार से लिया है। अपनी तरह की इस अनोखी और इकलौती योजना ने सभी आशंकाओं को दरकिनार कर लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया है। जब ये योजना शुरू हुई थी तब केंद्र सरकार ने इसके विस्तार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि ये एक आपदा से उपजी योजना थी तो इसे उसी समय के राहत पैकेज के तौर पर शुरू किया गया था। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक और विकराल रूप लेकर आई। इसलिए केंद्र सरकार ने अब इस योजना को नवंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। तो आइए बताते हैं आपको कि क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को हुई थी। ये एक फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई ताकि कोरोना वायरस के कारण आए आर्थिक व्यवधान की वजह से गरीबों को होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 2 महीने के लिए शुरू किया गया था, जिसके लिए 26,602 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन लगाया गया था, मगर अब कोरोना महामारी को देखते हुए इसके बजट को भी बढ़ा दिया गया है। जून में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को नवंबर तक अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन की मंजूरी दी। TPDS के तहत अधिकतम 81 करोड़ व्यक्तियों को 5 महीने के लिए 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी मिलेगी। भारत सरकार द्वारा परिवहन एवं ढुलाई और FPS डीलरों के लाभांश आदि के लिए लगभग 3,234 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले कुल अनुमानित व्यय 67,266 करोड़ रुपए होगा। इसमें कहा गया है कि गेहूं चावल के रूप में आवंटन के बारे में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तय किया जाएगा। खाद्यान्न के मामले में कुल निर्गम लगभग 204 लाख मीट्रिक टन हो सकता है।
पिछले साल लगभग 948 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था, जो कि कोविड के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामान्य वर्ष से 50% अधिक है। अब लगभग 80 करोड़ NFSA लाभार्थियों को अतिरिक्त 204 लाख मीट्रिक टन खाद्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से दिया जाएगा। इस योजना पर होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा FCI डिपो से 63 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मई 2021 में लगभग 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 55 करोड़ NFSA लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण किया गया है। ये खाद्यान्न वितरण लगभग 28 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा लगभग 1 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरण जून 2021 में 2 करोड़ NFSA लाभार्थियों के लिए किया गया है। मई और जून 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 90% और 12% NFSA के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत 7 जून 2021 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 LMT की आपूर्ति की जा चुकी है। इनमें से 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मई जून 2021 के आवंटन का पूरा उठान भी किया जा चुका है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन, दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों द्वारा भी आवंटन का 100% उठान कर लिया गया है। इन 5 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। मणिपुर और असम द्वारा भी खाद्यान्न उठान का काम चल रहा है और जल्द 100% उठान इन राज्यों द्वारा भी कर लिया जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारकों परिवारों को सरकार द्वारा नवंबर तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त में सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि इन 5 महीनों के लिए सरकार द्वारा 201 लाख टन का अनाज आवंटित किया गया है और इनमें से राज्यों द्वारा 89 लाख टन अनाज उठाया गया है और इस योजना के तहत राज्यों द्वारा गरीब लोगों को 60 लाख टन अनाज वितरित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जुलाई महीने में लाभार्थियों को 35 लाख टन अनाज दिया गया है और कुल लाभार्थियों की संख्या 71 करोड़ है। इसी तरह अगस्त महीने में भी लाभार्थियों को 24 लाख टन अनाज वितरित किया गया है और कुल लाभार्थियों की संख्या 49 करोड़ है। वैसे इस योजना की जरूरत पड़ी क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर इतिहास उठा के देखें तो भारत में वैश्विक संकट और महामारी से इतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी की भुखमरी के कारण हुई हैं। ऐसे में जब एक महामारी मुंह बाए खड़ी हो गई, रोजगार के साधन बंद हो गए, गरीब तबके के बचाए हुए कुछ पैसे भी जब कम पड़ने लगे, तो ऐसे में वो क्या करेगा, कैसे कमाएगा और कैसे 2 वक्त का खाना जुटाएगा? बस इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। आजादी के बाद की ही अगर बात करें तो देश में खाद्य भंडार तो भरते रहे, लेकिन भुखमरी और कुपोषण में कोई कमी नहीं आई। सालों साल से गोदाम में अनाज का स्टॉक बढ़ता रहा, लेकिन उस अनुपात में भुखमरी और कुपोषण जरा भी कम नहीं हुआ। आजादी के बाद सभी सरकारें गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कहती रहीं। इसके लिए चलाई गई योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता चला गया, लेकिन इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ। इसका एक बड़ा कारण था प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का ना होना, मगर 2014 के बाद स्थिति बदल गई और 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू हो गया। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि आधार को राशन से जोड़ दिया गया और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दिया गया, जिससे घोटालेबाजी और भ्रष्टाचार लगभग खत्म सा हो गया। इससे अब चाह कर भी कोई गरीब के हक को नहीं मार सकता। इस योजना से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि विभाग द्वारा प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए इस योजना का नवंबर के बाद भी विस्तार किया जा सकता है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। इस योजना के अंतर्गत कैश ट्रांसफर स्कीम को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जनधन खातों और 3 करोड़ गरीब वृद्धजन विधवा और दिव्यांग को कैश ट्रांसफर करने के बारे में विचार कर सकती है। इस योजना के और भी कई भाग हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए राहत पैकेज, पीएम किसान योजना, मनरेगा का विस्तार, जन धन अकाउंट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता, तो ये सभी गरीब कल्याण योजना का ही हिस्सा है जिनके लिए अलग से राहत पैकेज आवंटित किए गए हैं, जिनके बारे में विस्तार से हम आपको आने वाले दूसरे एपिसोड्स में बताएंगे। तो अभी जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पंजी करण कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल प्राप्त करना चाहते हैं तो वो राशन की दुकान पर जाकर अपने राशन कार्ड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। एक और जरूरी बात ये कि पूरे भारतवर्ष में कई सारे संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए डिक्लेरेशन भर दिया है, लेकिन काफी सारे संस्थान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक ईसीआर जमा नहीं कराया है, जिसकी वजह से उन्हें गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो सभी संस्थान जिन्होंने ईसीआर अभी फाइल नहीं किया है, वो जल्द से जल्द ईसीआर फाइल करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वो सभी सदस्य जो ये योजना लागू होने से पहले ही ईसीआर भर चुके हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ कई सारे ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने अपना आधार केवाईसी अपडेट नहीं किया है। विभाग द्वारा ऐसे सदस्यों से संपर्क करके अपना आधार अपडेट करने की जानकारी दी जा रही है। तो वो सभी सदस्य जिन्हें आधार केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो जल्द से जल्द अपना आधार केवाईसी अपडेट करवाएं और स्कीम का लाभ उठाएं। तो पीएम गरीब कल्याण योजना से जुड़ी नई अपडेट्स ये है कि देश के जो गरीब लोग लॉकडाउन की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे थे, उनको अब केंद्र सरकार बैंक खाते में आर्थिक सहायता देने के लिए पैसे भेज रही है। वित्त मंत्रालय ने 22 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन वितरण का काम भी नए सिरे से शुरू कर दिया गया। जगह जगह अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सरकार गरीब लोगों, मजदूरी करने वाली महिलाओं, विधुर, शारीरिक रूप से दिव्यांग, SHG, प्रवासी श्रमिक, गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है, जिसको पूरा करने के लिए इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए निशुल्क अनाज वितरण के साथ ही खातों में पैसा देने का प्रावधान भी कर रही है। वैसे बाकी योजनाओं की तरह थोड़ी बहुत खामियां इस योजना में भी है। घोटालेबाज ई सिस्टम होने के बावजूद सेंधमारी का रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल कर गरीबों को चूना लगा ही देते हैं, लेकिन क्योंकि अब हर नागरिक अपने अधिकारों के लिए जागरूक है तो इसमें होने वाली धांधली की शिकायतें भी हो रही हैं और बीच में गरीबों का हिस्सा खाने वाले अधिकारियों पर अब जबरदस्त तरीके से कार्यवाही भी हो रही है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि अब देश के गरीब तबके के नागरिक कम से कम नवंबर तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मतलब अगर कोरोना की तीसरी लहर आ भी जाए और फिर से लोगों के काम धंधों पर असर पड़े तो कम से कम भुखमरी के हालात पैदा नहीं हो पाएंगे। अगर हमसे इस योजना में कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं या इस योजना से जुड़ी आपकी क्षेत्र की कोई शिकायत हमसे आप करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही आगे आप हमसे किस योजना की जानकारी लेना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर ऐसी ही सरकारी योजना की पूरी जानकारी लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। नमस्कार।